एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज आपके लिए टू रो का बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेके आए हैं, जो कि बनाने में बहुत इजी है। टू रो में आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, जैसे लेडीज़ के टॉप पे, गर्ल्स टॉप पे, बच्चों के किसी भी, जैसे डालिए जीन्स पहनने वाला टॉप जो होते हैं उस पर डाल के बना सकती हैं। शॉल, मफलर, किसी पर भी। रॉन्ग साइड से ऐसे दिखता है, राइट साइड से ऐसे दिखता है। स्टोल पे डालिए, किसी पे भी डालिए, अच्छा लगेगा बनके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस पर हमने प्लस टू, इस पर हमने 17 15 लिया है। 3 के मल्टीपल पे 5 15 2 17। और इसको राइट साइड से नहीं बुनना, राइट साइड आपको प्लेन बुनना है। पूरी रो को आप प्लेन बुनेंगे। अब आ जाइए इसकी सेकंड रो पे, जो कि हमारी फर्स्ट होगी। जो डिजाइन यहीं से आपको शुरू करना है, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, इसको ऐसे ही बुन लेंगे। अब यहाँ पे धागा को यार्न ओवर करेंगे, एक उल्टा, फिर यार्न ओवर, मतलब धागे को ऊपर से घुमा देंगे एक बार, फिर लपेटेंगे एक फंदा, यार्न ओवर, एक उल्टा जाली, एक उल्टा जाली, एक उल्टा जाली, एक उल्टा जाली, जाली, एक उल्टा। और इसको एज इस चीज़ को ऐसे ही बन लेंगे। अब आ जाइए इसकी सेकेंड रो पे। सेकेंड रो में क्या करना है आपको, इसको छोड़ देना, जाली को इसको भी छोड़ देना है, इसको ले लेना, इसको भी छोड़ देना है। अब आपके आ जाते हैं यहाँ पे तीन फंदे आ जाते हैं। अब तीन फंदे को फर्स्ट वाले को पीछे करेंगे और दो फंदे आप आगे ले लेंगे। अब इसको आप क्या करिएगा, इसको ऐसे करके एक लूप से एक बुनिएगा, फिर सेकंड को बुनिएगा, फिर लास्ट में तीसरे फंदे को बुन लीजिएगा। आपकी एक डिज़ाइन तैयार हो गई। अब देखिए एक फंदा, इसको छोड़ दीजिए, जो लपेटें जाली को इसको भी छोड़ दीजिए। आपके तीन फंदे हो गए। अब तीन फंदे में इसको पहले वाले के ऊपर से इस तीनों फंदों को उठा लेंगे। अब इसको यहाँ करके पहले इसको बुनेंगे, फिर इसको बुनेंगे बैक लूप से, फिर इसको बुनेंगे। देखिए आपका दो डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इसको छोड़ देंगे और इसको ये हो गया।
देखिए आपके तीन डिज़ाइन तैयार हो गए। इसी तरह से आप खोलते हुए जाइए। और ये जो पहला वाला फंदा पीछे आ जाएगा और इसको आप पहले इसको बुन लीजिए। फिर सेकंड को बुन लीजिए, फिर फर्स्ट को बुन लीजिए। इस तरह से आपका एक डिज़ाइन तैयार होता है। फिर एक बार और दिखा देते हैं। आते हुए जाएंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ ऐसे बन के आएगा। और फिर आपको यहाँ से फिर रॉन्ग साइड से शुरू करना है। वही एक जाली एक फंदा उल्टा, एक जाली एक फंदा उल्टा, फिर इसी तरह से आपको करना है। तो आप आगे आगे बनाते जाएंगे तो आपका पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि सॉलिड स्टोल मफलर। तो लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।